नमस्ते, और क्या हाल है, कैसे हो? आपके लिए सोच रहे हो क्या बना रहा हूँ आज? डेफिनेटली कुछ तो अच्छा ही बनाऊंगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अच्छा ये चिकन से क्या बनाना है वो पूछ रहे हैं आप लोग, तो चलिए चिकन का ही कुछ डिश बनाते हैं। और डिश बनाने से पहले जस्ट एक ब्रीफ दे देते हैं कि डिश क्या बनाएंगे। काफ़ी रॉयल डिश है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी फेमस है। सो आपका गेस अभी हम जस्ट ओवर कर देते हैं। आज आप लोग के लिए अवधी बिरयानी बना रहे हैं, अवधी मुर्ग बिरयानी। एंड ये जो बिरयानी है, मतलब इट्स अ ट्रेडिशनली काफ़ी रिच डिश है। और इंडिया में आज के डेट में, इफ़ यू टेक द टुडेज एज ऑफ डेट, बिरयानी से फेमस चीज और कुछ भी नहीं है। एंड इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम द जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यू विल हैव अ वैराइटीज ऑफ बिरयानी। ऑलमोस्ट इंडिया में आप देखोगे तो देर आर द 14-15 वराइटीज विच हैज़ गॉट द पेटेंट। दे हैव गॉट देयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हर एक बिरयानी का एक अपना आइडेंटिफिकेशन है। एक बिरयानी का, अभी इंडिया इज मोर नोन एज अ लाइक कल्चरल, जैसे एज अ कल्चर चेंज होता है फ्रॉम ऊपर से नीचे तक या ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, उसी तरह बिरयानी का भी टेक्सचर देयर आर द चेंज। सो यू नो आई हैव कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अभी जो अपकमिंग चैनल्स में जितने भी हैं, सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ एंड नंबर ऑफ बिरयानी विच इज़, जो कि इंडिया में फेमस है, जो कि इंडिया में रीजनल यू नो लोग एक्सेप्ट किए हैं, और देर इज़ एक्सेप्टेंस इन द मार्केट बाई अ कंज्यूमर और अ कस्टमर और एवरीबडी। आपको मालूम है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डिलीवरी बिजनेस व्हाट हु हैज़ डन इट, दे हैव क्रॉस्ड एवरीथिंग, एंड बिरयानी इज़ द सिंगल लार्जेस्ट फूड विच इज़ सोल्ड इंटायर इंडिया फॉर द लास्ट ईयर। इट्स अ ट्रिमेंडस रिकॉर्ड। एंड बिरयानी क्या है कि इट्स अ कंप्लीट मील्स। व्हेन आप बिरयानी जब बना रहे हो तो यू डोंट रिक्वायर सो मेनी अदर थिंग्स। बिरयानी इट्सेल्फ इज़ यू नो हैज़ गॉट मेन डिश, और बिरयानी के साथ एक सालन और रायता हो जाए या रायता भी हो जाए तो काफ़ी है। तो आज जो डिश है आपके लिए, इट्स अ अवधी फूड, लखनवी बेस्ड। एंड अगेन लखनवी बिरयानी हैज़ गॉट इट्स ओन स्पेसिफिकेशन। मसालों आपको जैसे हैदराबाद बिरयानी एंड ऑल में काफ़ी मसालाज रिच मिलेंगे, सो इसमें उतना मसालाज नहीं मिलेंगे, लेकिन राइस में एक फ्लेवर रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स रहेगा। और उसका जो प्रिपरेशन है, मीट में काफ़ी टेक्सचर नहीं रहेगा, मीट काफ़ी ब्लंट रहेगा, मतलब यू कैन नॉट सी द मसालाज ऑन द मीट। मीट काफ़ी प्लेन है, लेकिन फिर भी उसमें टेस्ट है, हर चावल के दाने में टेस्ट है। सो चले मेरे साथ आज लखनवी चिकन दम बिरयानी। तो आप लोग के लिए अभी आने वाले जितने भी एपिसोड है, एक बिरयानी का सीरीज़ है जो कि आप लोग के लिए मल्टीपल बिरयानीज बनाएंगे। सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय बिरयानी एपिसोड, अपकमिंग एपिसोड्स। थैंक यू। हाय, हेलो। इन सब इंट्रोडक्शन में तो मेरा इंट्रोडक्शन भूल ही गए भाई। नमस्ते, मैं हूँ शेफ पंकज, और शेफ पंकज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चले कैमरा के उस पार, नए एपिसोड्स ऑफ बिरयानी, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वैराइटीज विच विल मेक यू फैबुलस। एंड मान लो बिरयानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल, यू कैन मेक, एनी बडी कैन मेक इन द हाउस। तो भाई चले बिरयानी बना ले। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ये जो तेल है इसमें प्याज को भुनना है सबसे पहले, सो तेल को थोड़ा गर्म होने दे दीजिए। और एक बार तेल थोड़ा गर्म हो जाए, और जो भी लखनवी में जो भी खड़ा मसाला है ना, वो कभी भी हम लोग जनरली क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग कभी भी खड़ा मसाला डाल देते हैं, तो इसमें खड़ा मसाला तेल में नहीं डालेंगे, एक बार प्याज भुनने के बाद फिर डालेंगे। सो ऑलमोस्ट तेल का, यदि तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद प्याज डालना स्टार्ट करते हैं। एक दो चेक कर सकते हैं, नहीं तेल का टेम्परेचर नहीं है, देख लीजिए। सो तेल को थोड़ा टेम्परेचर आना होगा तभी आप डाल सकते हैं। और जो लखनवी बिरयानी का टेस्ट है ना, एक इट इज़ नॉट वेरी स्पाइसी, कहने का मतलब है कि काफ़ी, लेकिन फ्लेवर्सफुल है, काफ़ी फ्लेवर्स है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स है, गर्म मसाला का फ्लेवर है,
देखिए इन केस बात करते करते आपका तेल भी रेडी हो गया है, तो ये है, ये अनियन डाल दिए आपका, ये आपका प्याज चला गया। सो अब थोड़ा मेहनत का काम करना है, तो अब प्याज को हल्का सा भुनने दीजिए और अच्छी भुनने दीजिए। आपको गोल्डन ब्राउन जब तक नहीं हो जाए तब तक ये आपको प्याज को भुनना है और हल्के हाथों से चलाना है। तो एक बार ये हो जाए फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं। भाई प्याज तो हो गया, कलर आ गया, देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आ गया। तो ये टाइम है, दिस इज़ द टाइम जब आपको चिकन डालना है, और चिकन जो डालना है वो अब चिकन के साथ इसको एक 4 से 5 मिनट थोड़ा कुक होने देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बराबर। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, आपके लिए स्पेशल अवधी बिरयानी। चिकन ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो गया है और चिकन में कलर आ गया है हल्का सा, तो अब इसमें मसाला डालते हैं। अगेन नमक आप जो है टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, तो अभी हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। उसके बाद जो खड़ा मसाला हम लोग डिस्कस किए थे कि बाद में डालेंगे, जायफल है। जायफल काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, सो हाफ जायफल डाल रहे हैं, आधा जायफल। ये जायफल जो है ये आपका फ्लेवर्स बाद में निकाल लेंगे। उसके बाद लवंग डाल रहे हैं और 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है। उसके बाद ये है दालचीनी, सिनेमम स्टिक्स, 1-2 इंच का साइज़ का, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और ये है आपका तेजपत्ता, बे लीव्स, सो ये जस्ट 2 पीस ऐसा डाले हैं। और उसके बाद चिल्ली पाउडर जो है ये आपका 1-2 टीस्पून। उसके बाद थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे, थोड़ा पकने देंगे सारे मसालों के साथ, ताकि इसका जो फ्लेवर है, गरम मसाला जो भी खड़ा गरम मसाला है उसका फ्लेवर जो है वो इंटैक्ट हो जाए और चिकन के पीसेस के साथ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो खड़ा गरम मसाला डाल दिए हैं, अब आइए जिंजर का बारी है। तो जिंजर अगेन 2 टीस्पून डाल रहे हैं और गार्लिक जो है वो भी 2 टीस्पून डाल रहे हैं। इनफैक्ट यदि गार्लिक आपको पसंद नहीं है तो गार्लिक का पानी भी डाल सकते हैं, पूरा एक्सट्रैक्ट जूस निकाल करके। और इसके बाद इस जिंजर गार्लिक को भी 1 मिनट पकने देंगे। लखनवी बिरयानी का एक सबसे फ्लेवरफुल चीज़ जो है वो बेसिकली क्या है कि केवड़ा वाटर। केवड़ा का जो फ्लेवर है वो काफ़ी प्रीडोमिनेंट फ्लेवर है और जो कि लखनवी बिरयानी को अदर बिरयानी से काफ़ी डिफरेंट करता है। तो ये 2 टीस्पून केवड़ा वाटर है, ये भी ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो होगा दूध डाल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 150 ml ऑफ मिल्क है। सो ये दूध डालने से क्या होगा कि ग्रेवी में एक कंसिस्टेंसी ग्रेवी रेडी होगा, जिसको झोल बोलते हैं, मतलब इफ़ यू ट्रैवल नॉर्थ इंडिया पार्ट में तो उसको झोल बोलते हैं। और ये है आपका दूध, सो ये दूध के साथ इसको, और दूध डालने से क्या है कि थोड़ा आपका बिरयानी भी सॉफ्ट होगा, पीसेस जो चिकन के पीसेस है। और जैसा आप देख सकते हैं कि आपको बताया कि ये काफ़ी मसालेदार नहीं रहता, पीसेस एकदम क्लीन दिखता है, एक साफ़ सुथरा पीसेस है, लेकिन डेफिनेटली उसमें फ्लेवर्स काफ़ी रहते हैं, एरोमा काफ़ी रहते हैं। और एक जो लास्ट है वो है कि इसमें थोड़ा दही ऐड करेंगे। सो ये दही ऐड किए, देखिए ये भी 100 ग्राम दही है, ये दही ऐड कर दिए। अब इसको थोड़ा पकने देंगे जब तक दही के साथ पक जाए चिकन, और
इसको अब कवर करके एक 5 से 7 मिनट थोड़ा सा पकाना होगा ताकि दही जो है दही और इसके साथ बिल्कुल पक के तैयार हो जाए। तो जब तक मेरा चिकन हो रहा है, फटाफट इधर चावल के लिए पानी चढ़ा हुआ था जो कि बिल्कुल गर्म हो गया है, तो अब इसमें भी थोड़ा सा मसाला डालना होगा। हाँ, ये देखिए, ये एक पीस ग्रीन चिली लिए हैं जो कि स्लिप करके 2 पीस डाल दिए हैं। उसके बाद 2 पीस लवंग है, इलायची जो है वो है छोटी इलायची 2 पीस, ताकि बिरयानी को ये जो फ्लेवर्स है ना, ये जितने मसालेज हैं ये सारे फ्लेवर्स, और ये जो है आपका जावित्री है और ये आपका है इलायची पाउडर, तो इलायची पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिए हैं। अब इसमें चावल डालने का टाइम हो गया है, तो चावल से वाटर स्टेन कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, और जब आप वाटर डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि वाटर को आप सोक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका चावल खड़ा आएगा, और इस तरह से आप चावल डाल दीजिए। चावल डालने के टाइम में थोड़ा केयरफुल रहना होगा कि पानी आपके ऊपर नहीं आ जाए। और ये देखिए, ये इसमें चावल चला गया। इस तरह से इसको 1-2 बार स्टेयर कर लेंगे। और इसमें एक सबसे चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ नहीं किया है, नमक। सो जब भी नमक डाले तो पानी को टेस्ट कीजिए कि पानी का टेस्ट, क्योंकि चावल पकने के बाद क्या होता है, इसमें ऑलमोस्ट 2 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। सो इसमें इनफैक्ट आप ज़्यादा नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारे पानी स्ट्रेन हो जाएंगे और जो चावल में रिटेन होगा वो एक उसके हिसाब से ही। ये डालने के बाद आप वाटर को टेस्ट कर सकते हैं, एक बार मिक्स कर लीजिए। और यदि वाटर आपको नमकीन लगे, ज़्यादा नमकीन चाहिए, तो इससे क्या होगा कि चावल में जब एक्चुअल टेस्ट आएगा उससे काफ़ी कम आएगा। आप जैसा देख सकते हैं कि चिकन ऑलमोस्ट हो गया है, तो इसमें अभी चिकन को सेपरेट कर देंगे, ये स्विच ऑफ कर देते हैं और सारे चिकन पीसेस को निकाल लेते हैं। ये जो है ये आपका पीसेस निकल गए हैं, और ये ऐसा ओनली आपको पीसेस निकालने हैं, बाकी पार्ट नहीं निकालना है। तो इसमें से आपका जो झोल तैयार होगा वो आपके बिरयानी में दम में जाएगा। सो ये देखिए, ये आपका सारे चिकन पीसेस, इनफैक्ट ये सारे बिरयानी जो भी हैं ये सारे बोन विथ बोन लिए हैं। आप चाहिए तो आप इससे ये भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन बोनलेस आप ले रहे हैं तो मेक श्योर कि जो कुकिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट कम हो जाएगा, 15 से 20 मिनट कम हो जाएगा। और इस तरह से सारे पीसेस आप निकाल लीजिए। ये आपका दही भी पक गया। अब ये जो झोल है ये झोल को स्ट्रेन कर लेंगे, और ये झोल को इस तरह से निकाल के इसमें, तो इस झोल को इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि सारा इसका मसाला निकल जाए और आपको काफ़ी साफ सुथरी बिरयानी मिले जिसमें मसाला फ्लेवर्स तो रहेंगे लेकिन एक्चुअल मसाला उसमें नहीं रहेंगे। इस तरह से ये सारे झोल स्ट्रेन कर लीजिए। और ये तो इसका जो झोल है, इसका जो ऊपर में रोगन है, ये रोगन हल्का निकाल लेंगे ताकि ये रोगन हम लोग इसमें यूज़ कर सकें। तो इस तरह से आप रोगन निकाल लीजिए, हल्का थोड़ा रोगन चाहिए ताकि जब हम लोग दम लगाए तो दम लगाने के टाइम में ये रोगन ऊपर से यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि ये बिल्कुल ये सेपरेट आपका रोगन हो गया है, और अब चावल की बारी है। आपका राइस बिल्कुल हो गया है, और राइस को जस्ट स्ट्रेन कर लेंगे, जो भी एक्सेस वाटर है उसको स्ट्रेन कर लेते हैं इस तरह से। और राइस जो पका रहे हैं, राइस जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 80%, सारा वाटर निकल गया है। तो जब आप राइस कुक कर रहे हैं तो 80% आप राइस कुक कीजिए, बाकी 20% दम में कुक हो जाएगा। तो ये पैन में अब जो झोल आप निकाले थे, ये झोल को
डाल देंगे और इसके साथ अब चिकन को कुक करना है और थोड़ा जो झोल बचा हुआ है वो रख लेंगे, वो चावलों के बीच में डालेंगे और ये जो आपका चिकन निकाले थे, अब ये झोल में काफ़ी फ्लेवर्स हैं, सारे फ्लेवर्स इसमें रिटेन किए हुए हैं और वो स्ट्रेन करके ये निकाल लिए हैं और इस तरह से थोड़ा एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद चावल डालेंगे लेयरिंग करके। आप जैसा देख सकते हैं कि आपका जो झोल था चिकन के साथ बॉईल हो गया है, अब इसमें चावल डालने का टाइम है। सो चावल इस तरह से ऐसा लेयरिंग करके डालेंगे और जब आप चावल डाल रहे हैं तो मेक श्योर कि चारों तरफ वो लेवल हो जाए इस तरह से। और चावल डालने के बाद इस चावल को ऐसा इस तरह से फैला लेंगे और झोल को है इस तरह से आप डाल देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पूरे राइस में दम के साथ इन्हेंस करे और बाकी का जो चावल है वो भी डाल लेंगे। तो बाकी का जो झोल है वो भी इस तरह से ऊपर में आप डाल दें और ये जितने भी बचे हुए झोल हैं ये सारे इस पर ऐसा डाल दें। तो बाकी का जो रोगन हम लोग पहले निकाल के रखे थे वो इस तरह से ऐसा डाल दें ताकि वो सारा फ्लेवर जो है आपके बिरयानी में ऊपर चावल में चले जाए। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा सैफ्रन डाल रहे हैं, ये देखिए ये है आपका सैफ्रन वाटर और ये जो है आपका इलायची पाउडर है, कार्डमम पाउडर, ये इलायची पाउडर ये ऊपर से डाल दे रहे हैं और ये लास्ट में इसमें घी डाल रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 1/4 टेबल स्पून घी जाएगा ऊपर से। तो आप यदि घर पे नॉर्मल हंडी पे बना रहे हैं और आपको सील करने का सुविधा नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव द प्रोविज़न, तो आप क्या कर सकते हैं कि आटों का ऐसा लगा करके ऊपर से ढक्कन लगा के सील कर सकते हैं दम के लिए। लेकिन चूंकि मेरे पास इसका जो कवर है ये काफ़ी इंटैक्ट है और इसमें इसका जो दम है काफ़ी इंटैक्ट रहेगा, इसीलिए आटे का ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आजकल काफ़ी बिरयानी आप घर पर भी मतलब प्रेशर कुकर पर बना सकते हैं सेम प्रोसेस पर, जस्ट लास्ट में आप 1-2 विसल्स प्रेशर कुक कर दीजिए, आपको दम लगाने का मतलब वो जितने भी जो पुराने नुस्खा थे कि चलो आटा लगाना है एयर इंटैक्ट होना, इंटैक्ट क्या होना है कि एयर को इंटैक्ट करना है ताकि जो आपका फ्लेवर है वो आपका लूज़ नहीं हो। सो कोई भी ऐसा आइटम है जैसे प्रेशर कुकर हो गया या नॉर्मल जिसमें इंटैक्ट सील हो जाता है, आप जैसा देख सकते हैं कि ये काफ़ी इंटैक्ट है, इसमें वेट भी है और इसमें एयर लीकेज होने का नहीं है। सो यू कैन यूज़ लिक दिस एंड पुट अ प्रॉपर दम ऑन दिस। जस्ट 20 मिनट स्लो फायर में आपको दम करना है और एक बार दम हो जाए आपका बिरयानी रेडी है आपके लिए मेरे लिए। वाओ, अवधि बिरयानी फाइनली रेडी। तो देख ले कैसा है, चले मेरे साथ ढक्कन खोलो। अब बिरयानी निकालने का टाइम, तो बिरयानी निकालना भी काफ़ी स्किल्ड है। बिरयानी जब भी निकाले तो एक साइड से कट करके निकाले और बिरयानी निकाले तो मेक श्योर कि एक साइड ऐसा कट कर दीजिए और इस तरह से नीचे से निकाले। ये निकालने का भी स्किल्ड है। इसका रीज़न क्या है कि बिरयानी जब आप एक साइड से निकालेंगे तो क्या होगा कि आपका बिरयानी में आपका कट नहीं होगा, चावल नहीं कटेगा। तो इसीलिए जब भी बिरयानी निकाल रहे हैं तो एक साइड से ऐसा निकाले और नीचे सारे पीसेस हैं आपके वो इस तरह से ऐसा निकाल के, काफ़ी टेंडर हो गए हैं पीसेस और ये देखिए इस तरह से ये पीसेस। और बिरयानी जैसा मैं बताया था कि आपको अवधी बिरयानी काफ़ी मसालेदार नहीं है लेकिन डेफिनेटली फ्लेवर्सफुल रहेंगे और जितने भी फ्लेवर्स हैं ये सारे फ्लेवर्स इसमें गए हैं क्योंकि जो झोल बनाए थे वो काफ़ी फ्लेवरफुल थे
और इस तरह से पीसेस ऐसा, ये देखिए सारे पीसेस है, ये बिरयानी है। तो फाइनली टेस्ट करूं, मेरे लिए नहीं आपके लिए, करेक्ट है? चलो आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करता हूं। तो ये थोड़ा चावल ले लिए, ये पीस के साथ, ये चिकन का पीस हो गया, ये एक हरी मिर्ची मेरे नाम, और ये थोड़ा और चावल, ठीक है। क्या खुशबू है, एरोमा है, फैंटास्टिक। आप देखिए हाथ बिल्कुल इतने सॉफ्ट है कि हाथ से ऐसा टूट जा रहा है। व्हाट अ फ्लेवरफुल बिरयानी बॉस, इट्स ट्रेमेंडस। एंड आई स्टिल रिकमेंड यू, यदि आप शेफ पंकज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपकमिंग सीरीज है, आई एम गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया रीजन्स, बिरयानी रीजन्स स्पेशली, एंड यू विल सी ऑलमोस्ट 14 टू 15 वेराइटीज ऑफ डिफरेंट रीजन्स वाइज बिरयानी विच विल बी अपकमिंग इन टू कमिंग अप वीडियोज़। सो ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, थैंक यू।